इस युद्धाभ्यास में भारत का राफेल फाइटर जेट्स भी हिस्सा ले रहा है। हाशिमारा एयरबेस पर तैनात राफेल के बेड़े को इस अभ्यास में शामिल किया गया। देश में आज जहां ईस्टर्न सेक्टर में आसमान से राफेल गरज रहा था, तो वहीं पर दूसरी तरफ राफेल से जुड़ी एक और गुड न्यूज आज देश को मिल गई। आखिरकार भारत को अपना 36वां राफेल जेट मिल गया। राफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। चीन और पाकिस्तान से चलने वाली तनातनी के बीच में राफेल के भारत आने से एयरफोर्स को काफी मजबूती भी मिल गई है। इंतजार खत्म हुआ, आ गया है 36वां और आखिरी राफेल। भारत की शक्ति को अद्भुत आधुनिक तकनीक और रफ्तार की सौगात देने भारतीय वायुसेना ने ट्वीट के जरिए अपने बेड़े के इस सबसे नए सदस्य के शुभागमन की जानकारी। वायुसेना ने ट्वीट में लिखा, द पैक इज कंप्लीट, यानी बेड़ा अब पूरा हो गया। फ्रांस से भारत की यात्रा के दौरान राफेल ने फ्यूल के लिए यूएई में लैंड किया और उसके बाद उड़ान भर के सीधे अपने नए घर आ पहुंचा। इस आखिरी राफेल को लेकर वायुसेना में खासा उत्साह है। फ्रांस से भारत पहुंचा यह आखिरी राफेल कई मायनों में बेहद खास है। इसका इस्तेमाल विकास से जुड़ी गतिविधियों में होगा। ऑपरेशनल जरूरत के मुताबिक फ्रांस की कंपनी ने इसके स्पेयर पार्ट्स में बदलाव किया है और इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया है। साल 2016 में फ्रांस और भारत के बीच 36 राफेल विमान का सौदा हुआ था। ₹60,000 करोड़ रुपए की इस डील में भारत को 36 राफेल विमान मिलने थे। इसमें से 35 राफेल पहले ही भारत आ चुके हैं। 35 राफेल विमानों को हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात किया गया है। राफेल का बेड़ा पूरा होने से भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। राफेल का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में शामिल है। दो इंजन वाले राफेल विमान एक साथ कई मोर्चों पर लड़ सकते हैं। रफ्तार और फुर्ती में इसका कोई मुकाबला नहीं है। राफेल एक बार में 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 300 किलोमीटर की रेंज में हवाई हमला करने में सक्षम है। एक मिनट में 30 mm गन से 2500 राउंड गोलियां दाग सकता है। राफेल के ताकतवर सेंसर दूर से ही दुश्मन के विमान को पहचान लेते हैं। वायुसेना ने हाल ही में राफेल से लंबी दूरी की मोर्टार मिसाइल स्काल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा राफेल को हैमर मिसाइल से भी लैस किया गया है। यह मिसाइल कम दूरी पर सटीक हमले करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। आने वाले वक्त में भारत कई मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है, ताकि दुश्मन देश की तरफ आंख उठाने की जरूरत न कर सके। भारतीय वायुसेना की इसी ताकत का नजारा आज चीन अपनी दहलीज पर देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।